नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। फरुखाबाद जिले के सलेमपुर गांव में जब सीआईबी इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो वहां की हालत देखकर दंग रह गई। जी आपको बता दें कि कीचड़ से निकलने को मजबूर हैं गांव के लोग और कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके। जब न्यूज टीम वहां पहुंची तो स्थानीय ग्रामवासी जिसमें हीरा देवी, मूलचंद, जितेश मिश्रा, ज्ञानेंद्र, तनवीर, विवेक मिश्रा, मोहन इत्यादि ग्रामवासियों ने समस्याओं को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, प्रदूषण इतना है कि दवाइयाँ लेते लेते लोग परेशान हो जाते हैं। सफाई कर्मचारी कभी आता तो कभी महीनों तक नहीं आता है। अगर प्रधान जी से कहो तो हीला हवाली करते हैं। एक या दो सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने प्रधान पर आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारियों का वेतन आधा प्रधान ले लेता है और आधा सफाई कर्मचारी ले लेता है, फिर चाहे वो आए या ना आए, प्रधान साहब को क्या फर्क पड़ता है। साथ उन्होंने बताया कि हर गाँव में लाइट गलियों में लगी है पर इस गाँव में एक भी लाइट नहीं लगी है। प्रधान पर साथ ही लोगों ने पक्षपात करने का आरोप लगाया है। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रधान अपनी जाति के लोगों को ही शौचालय दिया है, अगर कोई दूसरी जाति का व्यक्ति उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उसे शौचालय नहीं दिया। दूसरी जाति के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है। यह योजना तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना को चलाया जा रहा है, तो फिर हमें शौचालय क्यों नहीं दिया जा रहा है। जानवर हमारे खड़े रहते, हम भी वहाँ पे बीमार, बच्चा बीमार, बीमारियाँ, बरसात का मौसम है, तमाम तरीके के मच्छर पैदा होंगे, बीमारियाँ होंगी, डेंगू मलेरिया, इसका जिम्मेदार कौन होगा। उसके बाद में मौजूदा प्रधान से अगर कहा जाता है कि सफाई करवाई तो हवाला दे देते कि एक या दो सफाई कर्मचारी हैं। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, इसमें कम से कम छह सफाई कर्मचारी हैं लगे हैं, लेकिन जानकारी में चार का वेतन सफाई कर्मचारी होता है। प्रधान जी कहा जाए तो कह देते हैं हम थोड़ी सफाई करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ। ग्रामीण जनता ने कितने दिनों में आता है सफाई कर्मचारी, कोई पता नहीं। एक महीने में आए, हफ्ते में आए, दो हफ्ते में आए, कोई पता नहीं कब आएगा। यार वो भी दारू पी के लौट जाता है, वो भी उसके बाद जब समय होगा, जब वो दारू के नशे में, जब नशे में बाहर होगा तब आएगा, कोई पता नहीं कब आएगा। कोई कहता है साहब, कहता है प्रधान जी आधे हमको दे रहे, आधे ले रहे। प्रधान जी का कहना है कि हम थोड़ी सफाई करेंगे। अरे तुम्हें पब्लिक ने चुना है, उस पब्लिक की समस्याओं की निवारण करना तुम्हारी एक जिम्मेदारी है। कभी कोई नहीं देखा तो उधर रोड से निकल जाते, उनके द्वारे झाड़ू लग जाते, मान लो सफाई सब जगह हो गई। यहाँ पर आप कोई समस्या नहीं है। लोग आस पड़ोस की ग्राम पंचायत है, उनमें आप जाके देखो कि कितनी अच्छी लाइटों की व्यवस्था है। हमारे गांव में अब आप जो भंगे देख लो, एक लाइट नहीं लगी है, एक भी लाइट ना लगी है। आए दिन किसी आए दिन जो बनी है केवल बिरादरी बनी उनके भाई किसी का आए आए उज्जैन पंडित पढ़ाई मुसलमान डेली किसी का आए दिन चोरियां होती रहती है जब लाइट की व्यवस्था नहीं है। हर ग्राम पंचायत में आस पास आप देखिए उसमें लाइटें लगी हुई है, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत में सिर्फ हमारी नजर में एक रोड खुलते हैं केवल जी के कोटे से लाइट आई वो प्रधान जी के द्वारे लगी हुई है। नाली बंद पड़ी सब, बिल्कुल बाकी कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई होता ही नहीं, कोई कुछ नहीं है।